नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ये स्टॉक 129 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में ट्यूसडे को इसने 3.24% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1,41,547 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 73.20% है। बुक वैल्यू 93.40 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.51% है। फेस वैल्यू 2 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 15-200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वन मंथ पे भी देख लेते तो छोटू सी ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके सेल्स एंड मार्जिन पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करिए, जो कि एक अच्छी बात है। अभी आ गए हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमने जो लास्ट टाइम एनालिसिस करी थी तो उसमें हमने बात करी थी कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये काफ़ी स्ट्रांग है एंड यहाँ पे एंट्री बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि निफ्टी भी अभी थोड़ी सी अनस्टेबल है, प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। एंड उसके बाद आ गया था मंडे को वॉर की न्यूज़ एंड मंडे को एकदम से सारी मार्केट नीचे डाउन गई थी, तो तब मिला था हमें 1.48% का डाउन मिला था। एंड उसके बाद ट्यूसडे को थोड़ी सी मार्केट उठी थी, बट यहाँ पे इसको मिला डाउन मूव फिर से 3.24% का। यहाँ पे यूजली स्टॉक्स में रिकवरी हुई है, बट इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ है। बट एनीवे, तो हमने ये लगा के चले थे हम पहले कि इसके पास है, ये हो सकता है कि इसके आसपास ट्रेड करे। अगर इसको ब्रीच करता है तो ये 128 के आसपास का जो है उससे रिवर्सल ले सकता है, वैसा ही कहीं ना कहीं देखा गया। एंड हमने बात करी थी कि अगर ये हमें कहीं भी 128 के आसपास दिखाई दे ट्रेड करता हुआ, तो वो हमारा काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए, हम जो टारगेट लेके चले थे उनको बेसिकली हम अचीव कर चुके थे, हमने रिवाइज करे थे टारगेट। तो अभी के लिए देखिए, मुझे लगता है एंट्री पॉइंट तो डेफिनेटली यहाँ पर बनता है। एंड ये टारगेट थे हमारे जो थे, ये 25 मई के थे। एंड ये जो हमारे टारगेट हैं, सॉरी 25 मई के नहीं, 25 अप्रैल के थे। एंड ये है हमारे 15 मई तक के। ठीक है, तो 25 अप्रैल वालों को अचीव करने के लिए हमें चाहिए लगभग 13-14% के आसपास। बट यहाँ पे ना एक बात देखने वाली है कि देखिए, प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली देखी गई है, मार्केट में असर भी देखा गया है। एंट्री जरूर यहाँ पे मुझे लगता है ओपन होती है कि इससे नीचे अगर स्टॉक गया फिर तो यहीं पे रुकेगा जाके, 123 के आसपास ही रुकेगा जाके। उसे बीच में है ऑफ कोर्स रिवर्सल मिल सकता है, 125 से भी मिल सकता है, बट जो ये भी स्ट्रांग है वैसे 125 वाला भी ना, इसको भी एक बार लगा ही लेते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, 125 तो ये वाला भी स्ट्रांग है एंड ये वाला भी डेफिनेटली स्ट्रांग है। तो ये दोनों स्ट्रांग है, अब यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल हमें मिल जाए। अगर मार्केट में कोई ऐसे देखिए, इसराइल की एंड उसकी वॉर चल रही है, तो अगर उसमें आ जाती है कोई संधि की न्यूज़ कि कोई पीसफुली वो उस मामले को हैंडल कर लेते हैं, तब तो मुझे लगता है कि मार्केट में रिवर्सल देखा जा सकता है। बट अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, एंड यूएस की मार्केट पे जरूर ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि यूएस की मार्केट क्लोज कहाँ पे करती है, क्योंकि जो क्योंकि ग्लोबल न्यूज है ये, तो यूएस की मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट रेप्लिकेट करेगी, उस पर फर्क पड़ेगा उसके सेंटीमेंट्स का। तो मुझे लगता है कि एंट्री उस हिसाब से बनानी चाहिए यहाँ पे। अभी के लिए एंट्री जरूर बन रही है, बट मार्केट में अगर ऐसी कोई न्यूज आ गई तो हो सकता है स्टॉक और नीचे जाए। हालांकि मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल मिलना चाहिए, काफी स्ट्रांग है ये। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मुझे लगता है बनती है। शॉर्ट टर्म के हम लेके चले 25 अप्रैल की, एंड यहाँ पे लेके चले हम 15 मई तक की। ठीक है, एक बार बीएससी पे चलते हैं। बीएससी पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 10% का है। एंड न्यूज मैंने चेक कर ली है, ऐसा कोई न्यूज नहीं है जो इसके प्राइस के अप एंड डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। ठीक है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन है एंड ये बाकी अपनी रेटिंग उन्होंने जो आई है फिट से वो करी है, तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। तो अभी हमारे पास टेक्निकल्स हैं एंड टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इसका वॉल्यूम जो आया था ट्यूसडे को वो आया था 45 मिलियन का, एंड जो मंडे को आया था 45.91 मिलियन का। वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा डाउन जंप नहीं देखा गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से छोटी सी उम्मीद है कि ये रिवर्सल दे जाएगा। अभी के लिए RSI ना मुझे दिख नहीं रही है, मुझे रिमूव करके एक बार फिर से लगाना पड़ेगा RSI का। तो RSI इस टाइम ना बिल्कुल उस पॉइंट पे है जहां से ये हमें रिवर्सल भी देती है,
नीचे भी जाती है ऑफ कोर्स, बट रिवर्सल भी देती है होल्ड बना के। तो 60 में अगर ये नीचे जाती है तो इसका हो जाएगा फिर रेंज शिफ्ट हो जाएगा अगेन उसका डाउन। तो यहाँ पे देखिए आरएसआई नीचे आई है, सेटल हुई है, फिर उसके बाद ऊपर गई है, तो हो सकता है कि आरएसआई यहाँ से सेटल होकर ऊपर जाए। तो ये भी एक समीकरण इसका बन रहा है कि यहाँ पे देखिए आरएसआई ऊपर भी जाती है, रिवर्सल भी लेती है, तो लेट्स सी क्या बनता है। तो थोड़ा मुझे लगता है एंट्री बनती है, बट सोच समझ के थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। एंड वॉर की न्यूज को भी मुझे लगता नहीं है मार्केट ज्यादा टाइम तक डिस्काउंट करेगी, क्योंकि जो बुल रन चल रहा है मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा टाइम तक डिस्काउंट करेगी। थोड़ा सा इसका असर ऑफ कोर्स हमें देखने को मिलेगा। तो अगर नहीं समझ आता है, एंट्री का कॉन्फिडेंट नहीं है, लाइव मार्केट में नहीं समझ आता है, देन जस्ट होल्ड। मुझे लगता है कि मंडे तक मार्केट सुधर जाएगी। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा मैं इसलिए दुविधा में हूँ एंट्री की, क्योंकि छुट्टियां भी हैं, दो ट्रेडिंग डे हैं, फिर उसके बाद दो छुट्टियां हैं, हमारे पास वीकेंड आ जाएगा, तो यू नेवर नो कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए, हमारे पैसे फंस जाए। अगर ये न्यूज दे भी गया तो हम फ्राइडे को निकाल तो पाएंगे नहीं, तो वो भी एक चीज है, तो उसको भी काउंट करके चले, ठीक है। तो बाकी सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पड़े और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली मैं कैसे एनालाइज़ करती हूँ या आप कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है। एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कि कैसे एनालाइज करना है। तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे, जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोस में बताने वाली हूँ एक एक करके, एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोस आने वाली हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीज़ें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीज़ें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडलस्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में ऑफ
कोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे ASM लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्रा डे कर रहे हो तो अभी इंट्रा डे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी, तो इंट्रा डे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8, 10, 12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ। एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं। एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा, तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है, ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो, ठीक है, थैंक यू।